वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है केस स्टडी ऑफ अजीत डोवल, सुपर स्पाई जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया। वो तो है, मुझे नाम बड़ा अच्छा लगता है, सुपर स्पाई एंड जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और पता करते हैं इनके बारे में, और इस वीडियो को करेंगे दो पार्ट्स में। तो ये होगा हमारा फर्स्ट पार्ट। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। हथियारों से लड़ी जाने वाली लड़ाई बार बार लड़नी पड़ती है, पर बुद्धि हमेशा बल पर भारी पड़ती है। ऐसे बुद्धि के राजा 21वीं सदी के चाणक्य हमारे देश के जेम्स बॉन्ड अब काल्पनिक चरित्र नहीं रह गया, असली के जेम्स बॉन्ड अजीत डोवाल प्रधानमंत्री के बाद कहा जाता है कि दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। सीधा कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा, पर पीएमओ को सीधा रिपोर्टिंग, बीच में कोई नहीं। कीर्ति चक्र, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल। अगर पाकिस्तान इनके नाम से डरता है, क्यों डरता है, क्यों घबराता है, क्यों पाकिस्तान के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री सब इसी की बात करते हैं। ए, अजीत डोवाल की स्ट्रैटेजी, ये अजीत डोवाल नहीं होता तो क्या होता, अजीत डोवाल के कारण हो गया ये। डोवाल कौन है अजीत डोवाल, बात करूंगा नीचे। एक तो अजीत डोवाल के बारे में आज बात करेंगे खूब कॉमेंट बॉक्स में, क्या कौन सी स्टोरी उनकी कहानी पसंद आई, कई कहानियां बताने वाला हूं। एक ऐसे जासूस, एक कठोर जिंदगी जीने वाले वो जासूस जिन्होंने दे पुलिस की जिंदगी, आईपीएस ऑफिसर की, उसकी मलाई खा सकते थे, मलाई मार सकते थे, पर वो कठोर जिंदगी जी। बात अजीत डोवाल की करते हैं। जिस प्रकार कोरोना से बचने के लिए इम्यूनिटी का होना जरूरी है, उसी प्रकार इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अजीत डोवाल बहुत जरूरी है। उत्तराखंड के रहने वाले पौड़ी गढ़वाल के 1945 में आजादी से पहले जन्म हुआ, आजादी से पहले। अभी तक पूरी तरह फ्रेश एंड एक्टिव इंडियन आर्मी ऑफिसर थे इनके पिता, और अजमेर मिलिट्री स्कूल में उन्होंने पढ़ाई करी। इंडियन पुलिस सर्विस 1968 में इन्होंने आईपीएस के रूप में ज्वाइन किया, कैडर मिला था केरला का। 37 साल की नौकरी में 7 साल पुलिस में रहे, बाकी उसके बाद आईबी, रॉ और क्या-क्या किया जासूस बनके। 72 में उस समय चर्चा चल रही थी, नॉर्थ ईस्ट में चल रही थी इंसर्जेंसी, भयंकर आतंकवाद, बहुत परेशानी थी। हर राज्य वहां बोल रहा था मुझको अलग देश बना दो, मुझको अलग देश बना दो। वहां लाल डेंगा मिजोरम में बहुत शक्तिशाली हो चुके थे, लाल डेंगा की ताकत बढ़ चुकी थी, पैरेलल सरकार चला रहे थे। लाल डेंगा, समझना इस कहानी को, नाम आपने सुना होगा, लाल डेंगा का आतंक कितना हुआ करता था उस समय। नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम इतना शोर हो गया कि दिल्ली में लोग घबराए थे, और तभी पूछा, वहां पे एक आईबी ऑफिस में मीटिंग बुलाई गई कौन जाएगा देखने के लिए। सब चुपचाप इधर उधर देख रहे थे, और वहीं अजीत डोवाल अभी शादी करके लौटे थे, हनीमून पर जाने वाले थे, और वो बोले ठीक है मैं जाऊंगा मिजोरम और मैं मिजोरम में समय लगाऊंगा। ये लाल डेंगा के साथ इन्होंने वहां पहले अंदर घुस गए, अंदर जाके देखा तकलीफें क्या है, इनकी समस्या क्या है, इनकी गोल प्रॉब्लम क्या है। घुस करके तब समझ आया लाल डेंगा के साथ 7 बड़े कमांडर्स थे उसके, उसके 7 जबरदस्त कमांडर थे जो सारा गेम चला रहे थे। यानी कि लाल डेंगा की ताकत, जैसे याद है हातिम ताई में तोते के अंदर ताकत थी, लाल डेंगा की ताकत इन 7 कमांडर्स में थी। ये 7 कमांडर से नीचे नीचे जाके दोस्ती करते थे। इनकी खास बात यही कि दुश्मन के अंदर खेमे में जाके कुछ लोगों को दोस्त बनाए आते थे। अच्छा, दोस्ती इतनी कर ली कि रोज शाम को उनके एक कमांडर को घर बुलाते और बढ़िया साथ में बैठ के दारू भी पीते, खूब ड्रिंक करते, उनके साथ बढ़िया नॉनवेज उनकी वाइफ खुद बना के खिलाती, और इतनी दोस्ती कर ली और उनको समझाना शुरू कर दिया, सारी इंफॉर्मेशन ले ली क्या है ये माल्फ, मिजोरम आर्मी लेफ्ट फ्रंट पर कौन है अजीत डोवाल, जो हर बाल की निकाल दे खाल वो है अजीत डोवाल। इतना अंदर चले गए कि जा करके उनसे समझाना शुरू किया, एक एक करके दोस्ती करी, बोला ऐसा है ना मैं तुम्हारे को सारी ताकत दिलाता हूं, भारत सरकार है मेरी चलती है, तुमको स्पेशल कैटेगरी राज्य बना दूंगा, ऐसा कुछ करते हैं कि तुम्हारा यहां पे इलेक्शन करके तुम्हीं को यहां मंत्री बना देते हैं, तुम्हारे ऊपर जो क्रिमिनल चार्ज है उस सारे को हटवा देते हैं, और तुम्हारे को नेबरिंग कंट्री के साथ में तुम्हारे लीगल अग्रीमेंट्स बनवा देते हैं, तुम्हारे राज्य में कोई घुसेगा तो उसको पासपोर्ट इलेक्शन कार्ड टाइप चाहिए, यानी कि वो सब सिस्टम भी बनाए रखते हैं। उन्होंने उनको इतना विश्वास दिलाया कि तुम्हें जो जो चाहिए मैं सब दिलाऊंगा, और कोई धन की कमी है तो वो भी दिलाऊंगा, स्पेशल स्टेट होने पर जो पैसा नहीं चाहिए वो भी दिलाऊंगा, और एक एक करके इन्होंने 7 में से 5 आदमी अपने साथ, क्षमा चाहता हूं 6 आदमी अपने साथ कर लिए। लाल डेंगा पड़ गया कमजोर, अब लाल डेंगा की चली नहीं, और वहां पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए उन्होंने बोला लाल डेंगा अब तू आजा मेरे पास। बाद में लाल डेंगा को लेकर के आए, उसको अकेले में समझाया,
और देखा कि 6 आदमी उसके अगेंस्ट हो गए और लाल डेंगा के साथ अब नेगोशिएशन किया। ये नेगोशिएशन करने से पहले सामने वाले की वीकनेस पकड़ते थे, इसीलिए मैंने बोला चाणक्य, क्योंकि ये फ्यूचर के कई महीनों को आज भाप के अपनी स्ट्रैटेजी बनाते थे। इतना कियोस क्रिएट कर देते हैं दुश्मनों के अंदर कि दुश्मन भी इधर उधर देखने लगते हैं, डोवाल का आदमी तो नहीं है ये, कहीं डोवाल का आदमी तो नहीं है। वहीं से उसके बाद सिक्किम भेजा गया इनको, बोला मिजोरम तूने इतना कंट्रोल किया, सिक्किम में हुआ क्या था, वहां के जो राजा थे ना उसने एक अमेरिकी लड़की से शादी कर ली और वो CIA एजेंट थी, और वो जो अमेरिकी लड़की CIA एजेंट थी सिक्किम के राजा से शादी करके अब वो कंट्रोल करने लगी, वो सरकार चला रही। इधर भारत सरकार टेंशन में आ गई कि भैया CIA एजेंट मतलब अमेरिका आके कंट्रोल करेगा और उसका चाइना से कहीं रिश्ता ना बनवा दे और चाइना का कहीं कंट्रोल ना बढ़ जाए। अब वहां के राजा जो है सुने नहीं किसी की, अब ये सिक्किम अलग हो गया था भारत से, अभी तक भारत का पूरा हिस्सा बना नहीं। 47 में केवल अधूरे कुछ कॉन्ट्रैक्ट के साथ सिक्किम भारत से जुड़ रहा था पर पूरी तरह भारत में मिला नहीं। तब ये वहां डोवाल गए, वहां जाके क्या देखा, उधर की लोकल पार्टी सिक्किम नेशनल कांग्रेस पार्टी उनको पकड़ लिया इन्होंने और वहां उनसे दोस्ती करी, उनके लीडर्स को अपने साथ रिश्ता उनका जोड़ा और पूरे सिक्किम के अंदर बोला कि तुम्हारे राजा तो तुम्हारे को कुछ मदद नहीं कर रहा है, तुम्हारा राजा तुमसे टैक्स वसूलता है, तुम्हारा सपोर्ट नहीं करता, और वहां राजा के खिलाफ हवा बढ़ानी शुरू कर दी और इस पार्टी को मजबूती देनी शुरू कर दी। बाद में रेफरेंडम भी पास करा दिया, वहां सब लोगों ने भारत के फेवर में वोट भी कर दिया। अच्छा, वहां राजा और इनका प्रधानमंत्री जब ये बना वहां का सिक्किम नेशनल कांग्रेस पार्टी, इनका आपस में झगड़ा करा दिया। मैं बता रहा हूं आपको, बुद्धि बल पे भारी पड़ती है, हथियारों की लड़ाई जिंदगी भर लड़नी पड़ती है, और ये क्या किया इनका आपस में झगड़ा, अब प्रधानमंत्री और राजा आपस में झगड़ा करें, राजा ने अब अटैक करने की कोशिश करी, प्रधानमंत्री ने यहां पे हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोल दिया, तब सिक्किम का प्रधानमंत्री माना जाता था, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोला भैया मेरी मदद करो, और देश के हमारे प्रधानमंत्री उस समय तुरंत डोवाल के कहने पे सेना भेज दी और राजा के पूरे महल को कब्जा कर लिया, राजा को कंट्रोल में कर लिया, राजा आए कंट्रोल में, गेम हो गया पूरा चेंज और सिक्किम को पूरे होशो हवास में राजा के वापस देश में मिला लिया। जोश में गोली चलती है और होश में बोली चलती है, ये बोली से काम कर जाते हैं, इनको गोली नहीं चलानी पड़ती है, और वही कारण है आज सिक्किम हमारे देश का हिस्सा क्यों। अजीत डोवाल, कहानी सुनते हैं पाकिस्तान की। ये जो हमारे अजीत डोवाल है ना, ये बहुत बुद्धिमान जासूस थे। इसकी कहानी को जरा समझते हैं, पहले बैकग्राउंड देखते हैं। इंडिया में पोखरण का टेस्ट कर दिया इंदिरा गांधी ने, जैसे बाद में आगे हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी ने किया था, न्यूक्लियर का टेस्ट अपना हो गया यहाँ पे, सफल हुआ। पाकिस्तान को लगनी थी मिर्ची, उनको तकलीफ होनी थी, उन्होंने अपनी तैयारी करनी थी, तो वहां जो डॉक्टर AQ खान उनके साइंटिस्ट थे, उन्होंने चाइना और फ्रांस से मदद ली कि हम भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे भाई, हम भी अपने न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। फ्रांस को समझ आ गया ये टेक्नोलॉजी के लिए नहीं वेपन के लिए कर रहा, तो फ्रांस हो गया बाहर, चाइना मदद कर रहा था, लेकिन ये डॉक्टर AQ खान की तैयारी पूरी नहीं हुई तो ये नॉर्थ कोरिया निकल गए। साइंटिस्ट थे ये, नॉर्थ कोरिया गए, नॉर्थ कोरिया अपने किम जोंग युंग के पिता उस समय वो भी अपने न्यूक्लियर के चक्कर में पड़े थे, तो दुनिया ने देखा क्या चक्कर है भाई, क्यों गया नॉर्थ कोरिया, ये क्यों तैयारी करके आज सबको लगने लगा। इधर जो है मैडम इंदिरा गांधी ने और रॉ और IB का गठन कर दिया और अपनी बढ़िया टीम बना दी कि मैं यहां से लोगों को भेजती हूं चाइना और पाकिस्तान, मेरे अपने स्पाई और मेरा अपना नेटवर्क होना चाहिए जो राइट खबर दे सके। इधर से अजीत डोवाल को सिलेक्ट किया गया कि अजीत डोवाल एक काम करो, अब तुम मेरे को डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे हो, मैं हूं प्रधानमंत्री और तुमको जाना है, इस समय तुम IB को यहां से लीड करोगे, नेटवर्क बनाओ पाकिस्तान में। कोहोटा नाम की जगह थी रावलपिंडी के पास में, जहां पे इनका एक खान रिसर्च सेंटर था, जहां पे इसकी तैयारी चल रही थी। इसी खबर तो लगी लेकिन ढूंढना मुश्किल हो रहा था। अब ये अंडर कवर एजेंट वहां पहुंच गए पाकिस्तान के अंदर, वहां ढूंढने का खूब प्रयास किया, कुछ मिले नहीं वहां पे। ये कोहोटा में भिखारी बन के घूम रहे थे और अपनी पूरी तैयारी कर रहे थे। इधर इंडिया के अंदर उथल पुथल हुई, इंदिरा गांधी इलेक्शन लूज कर गई क्योंकि अपना इमरजेंसी हुआ था, और यहां कौन आ गए, मुरारजी देसाई आ गए। अच्छा, इन्होंने क्या किया, खान रिसर्च सेंटर के बाहर जो साइंटिस्ट आते थे उनको ट्रैक करना शुरू किया, ये साइंटिस्ट आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, मिल नहीं पा रहे, पकड़ नहीं पा रहे, समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो इनकी जो अपनी पढ़ाई थी, इनको पढ़ाई से समझ में आया कि अगर कोई न्यूक्लियर वेपन पर काम कर रहा है तो उसका जो रेडिएशन है ये उसके शरीर में आ सकता है, उसके शरीर के स्किन का टुकड़ा मिल जाए, बाल का टुकड़ा मिल जाए। तो उन्होंने एक ऐसा नाई ढूंढ लिया वहां, ऐसी बार्बर शॉप ढूंढी जहां पे साइंटिस्ट जाया करते थे, तो वहां जाकर के भिखारी बन के वहां बाहर बैठ गए और वहां बालों के सैंपल उन साइंटिस्ट लोगों के कलेक्ट करने शुरू कर दिए। बहुत बुद्धिमान थे, बहुत बुद्धिमान, लंबी तैयारी करके चले। अगर ये न्यूक्लियर वेपन पे काम कर रहे हैं तो बालों में रेडिएशन आ जाएगा। इन्होंने धीरे धीरे सैंपल कलेक्ट किए और किसी तरह अपने नेटवर्क के थ्रू उसको इंडिया में भेजा, और इंडिया में जब बालों को चेक किया गया तो बहुत भारी मात्रा में रेडिएशन भी मिल गया। अब समझ आ गया कि यहीं पे पाकिस्तान काम कर रहा है, यहीं तैयारी हो रही है। तो इन्होंने जो है सोचा कि अब क्या किया जाए, इसको कैसे तबाह करें, इसे कैसे खत्म करें।
ये सोचा कि भाई अब दोबारा झगड़ा किया इनके साथ में तो अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर देगा, तो अगर मैं इस समय अपने प्रधानमंत्री को समझाऊं उनको अटैक करें हमारे प्रधानमंत्री मानेंगे नहीं। तो उन्होंने एक इंटेलिजेंट तरीका निकाला, इन्होंने सोचा कि मोसाद को पकड़ता हूं मैं, तो इसराइल की जो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को उन्होंने बोला, देखो भाई मेरी बात समझो आप, ये जैसे तुमने इराक को तबाह किया ये मुसलमान देश है, अगर इसने बना लिया न्यूक्लियर वेपन सबसे पहले तुम उड़ जाओगे, तुम खत्म हो जाओगे, इसलिए एक काम करते हैं मैं तुमको सब बताऊंगा कहां पे करना है, तुम आके इसको उड़ा दो। तो अजीत डोवाल इंटेलिजेंट थे, बोले इंडिया को लड़ना भी नहीं पड़ेगा और मैं इसराइल और पाकिस्तान का आपस में झगड़ा करा दूंगा, मेरा काम भी बन जाएगा और यहां कोई न्यूक्लियर टेस्ट होगा कैसे बताइए तो। और मोसाद मान भी गए, ये इतना बढ़िया कन्विंस करते थे, पता नहीं बुद्ध आदित्य योग है इनके पास, कौन सा योग है, ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल योग है, ये जिसके पास जाए उसको कन्विंस कराया करते थे। और ये कन्विंस कर दिया, इसराइल तैयार हो गया, इसराइल ने बोला एक काम करो भैया, हम कहीं इराक के ऊपर से उड़ा करके ये जो मिडिल ईस्ट कंट्री है यहां से तुम जहाज ला नहीं सकते, पूरी तरफ दूसरी तरफ से घुमा के लाना पड़ेगा, रीफ्यूलिंग के लिए तुम हमारी मदद करो, गुजरात में रीफ्यूलिंग कर लेंगे, अपना बेस दे देना, वहां से जाएंगे इनको उड़ा देंगे, पाकिस्तान पूरा खत्म कर देंगे, इनका खान रिसर्च सेंटर कुछ नहीं होगा न्यूक्लियर टेस्ट। तो ये बोले ठीक है, ये पीएमओ के पास गए, उनसे बात किया, भैया मैंने इतना जुगाड़ कर दिया आपको नहीं लड़ना पड़ेगा, मैं इसराइल को लड़वा के काम करा दूंगा। पीएमओ ने बोला अब जो थे ये गांधी विचारधारा के थे, यहां गड़बड़ हो गया, यहां मुरारजी देसाई ने सोचा कि ये तो इंदिरा गांधी का प्लान था, भैया ऐसा ना हो इंदिरा गांधी की वाह वाह हो जाए। उन्होंने साफ बोल दिया कि भाई वो कर रहा है टेस्ट, उसको करने दो, हम तो गांधी विचारधारा के हैं, हम तो लड़ते नहीं किसी से, वो उनके देश का आंतरिक मामला है, मुझको नहीं लड़ना भैया, हम नहीं इसराइल को बुलाएंगे यहां पे, हमारी धरती को क्यों खून से रंगा जाए, हमारी धरती को क्यों गंदा किया जाए। उन्होंने साफ मना कर दिया। अब वहां मना कर दिया तो ये बड़े परेशान हो गए, क्या करें, इतना मुश्किल से बाल वाल निकाल के सब जुगाड़ करके इसराइल को समझा कराया, लेकिन ये हार कहां मानने वाले थे। कल की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छी तैयारी रहे, विनम्रता से ही सही मगर कोशिश जारी रहे, इन्होंने कोशिश करते रहे। इन्होंने देखा एक साइंटिस्ट को पकड़ लिया, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर निकाल दिया, और वहां लड़की को भी पकड़ा, इनको भी पकड़ा, और साइंटिस्ट को जाके बोला इधर आ, मैं तेरी सारी खबर लीक कर दूंगा और तुझको बर्बाद कर दूंगा, मैं मेरी बात सुन, मैं इसको ब्लूप्रिंट दे दे अंदर का, बस इतना कर दे। वो साइंटिस्ट घबरा गया, वो बोला ठीक है पूरा ब्लूप्रिंट सब कुछ दे दूंगा पर $10,000 दे दे मुझे ताकि मैं यहां से बाहर निकल जाऊं, मेरी जिंदगी भी तो सेट कर लो ना, मैं यहां से निकल जा तो पूरा ब्लूप्रिंट दे दूंगा, तो इंडिया को दे दियो। इसने कहा ठीक है $10,000 तो कुछ नहीं है। इन्होंने अपना फिर फोन लगाया वहां पीएमओ को, हां जी $10,000 दे दो, काम हो गया हमारा, कैश में जाएगा पैसा, तो वैसा ही जुगाड़ चाहिए इनको। तो वहां पे मुरारजी देसाई ने फिर मना कर दिया। मुरारजी देसाई बोले ऐसे थोड़ी होता है, हमारे पास तो बजट भी नहीं है, जी हमारे पास पैसा भी नहीं है, और हम क्यों ये सब काम करें, जो पाकिस्तान को करना है वो अपनी धरती पे कर रहा है, हम अपनी धरती पे कर रहे हैं, वो उनका आंतरिक मामला। मुरारजी देसाई ने फिर से मना कर दिया। अब यहां पर परेशान हो गए। अच्छा इधर हमारे रॉ के चीफ अरिंद का वो परेशान हो गए, वो बोले मुरारजी देसाई ये क्या तरीका हुआ, हम लोगों ने अपने स्पाई नेटवर्क को जान खतरे में डाल के इंफॉर्मेशन ला रहे, सोचो सर आपको ब्लूप्रिंट मिल गया तो आप क्या क्या कर सकते हो, आपको सब पता चल जाएगा उनके बारे में। इन्होंने मना किया, उसने रिजाइन कर दिया। अच्छा अरिंद काउ ने यहां रिजाइन किया, लेकिन वो वहां हार नहीं माने। अजीत डोवाल फिर भी वहां लगे रहे। अजीत डोवाल ने वहां और तैयारियां करी कि मैं कैसे इनको इसको खत्म करूं कैसे। पर इतने में क्या हुआ, इनके जो यहां पे नए राष्ट्रपति यानी कि अभी आर्मी के थे वो आकर के डिक्टेटर जियाउल हक, उन्होंने कंट्री को पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया, लेकिन वो चाहते थे आजू बाजू के देशों से रिश्ता ठीक बना रहे, थोड़े धार्मिक थे, सबसे प्रेम से बात किया करते थे, कभी श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर को फोन करे, कभी बांग्लादेश में करे, कभी फोन करे नेपाल में तो इंडिया में फोन लगाए कभी कभी। अच्छा यहां पे जब मुरारजी देसाई से बात किया, मुरारजी देसाई अपने शाम को अपनी अलग आनंद में जीवन जी रहे थे, और वहां मुरारजी देसाई फोन पे बात करते वक्त उन्होंने इनको बोल दिया, तुम क्या समझ रहे हो जियाउल हक, हमको हमने कच्ची गोलियां नहीं खेली, हमें सब पता तुम कहोटा में क्या कर रहे हो। और वहां जियाउल हक परेशान, वो कहा ये क्या हो गया, इसको कैसे पता, तुम क्या न्यूक्लियर वेपन बना रहे हो, तुम्हारे कितने साइंटिस्ट हैं, वहां क्या क्या तैयारी करी, तुम्हारे खान रिसर्च सेंटर में क्या हो रहा है, हम कच्ची गोलियां नहीं खेलें जियाउल हक, हमारा भी नेटवर्क है तुम्हारे यहाँ पे, हाँ जरा कंट्रोल में रहो जियाउल हक। जियाउल हक परेशान, ये हमारे देश के या दुनिया के किसी भी देश के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई सबसे बड़ी गलती थी। और यहाँ जियाउल हक ने क्या किया, ये बहुत गुस्से में आ गए, वापस आए, सोचो इतना कॉन्फिडेंशियल प्रोग्राम किसी को नहीं पता दुनिया में हम कर रहे हैं, और यहाँ इनके प्रधानमंत्री को पता है। इन्होंने ढूंढ ढूंढ के हमारे नेटवर्क के आईबी के एजेंट्स, ढूंढ ढूंढ के हमारे रॉ के एजेंट्स को पकड़ पकड़ के निकाल निकाल के मारा, और कईयों को मारा, और सब
बेचारे मार दिए गए, पूरा नेटवर्क वहां नेस्त नाबूद हो गया, सब खत्म हो गया। और लेकिन अजीत डोवाल चुपचाप वहां से निकल के भाग आए, वो इंडिया आ गए। इतना तो तबाह इनको कर दिया था कि उन्होंने इनका न्यूक्लियर टेस्ट 15 साल डिले करा दिया। अमृतसर स्वर्ण मंदिर की कहानी है अगली, जिसमें रिक्शा वाला बन के इन्होंने आतंकवादियों को खत्म कराया। लेकिन उससे पहले समझो कि जासूस की जिंदगी होती कैसी है। ये एक्सट्रीम लोनलीनेस की जिंदगी है, ये अकेलेपन की है, हाई रिस्क की है। पत्नी को नहीं पता तू है कहां पे, किसी को नहीं पता। और अगर सब ठीक चल रहा हो ना, जीत रहे हो, तो कॉन्फिडेंस बना रहता है। लेकिन भाई साहब जब बिल्कुल अकेले पड़ जाओ और सब खराब हो रहा और सारे प्लान बर्बाद हो रहे हो और आपको पता है किसी भी समय मारे जा सकते हो, उसके बावजूद इतना करेज रखना, ये थे अजीत डोवाल। तो फ्रेंड्स कमाल का बता रहे हैं। इनमें से कई तो मुझे कुछ बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था, जैसे वो इसराइल के साथ कोशिश की उन्होंने और वो बिल्कुल कामयाब ना हो पाई। लास्ट मोमेंट जब सब कुछ ठीक हो गया तो हायर अथॉरिटी से यस ना आने की वजह से, पीएम के वहां से ना होने की वजह से सारा बंद हो गया। और जिस तरह से मैं तो वो सुन के बहुत हैरान हुई कि पीएम ने ही अपने मुंह से बता दिया कि भई हमें ये पता है, बिना रियलाइजेशन के कि उससे कितने सारे जो हैं हमारे स्पाइस, वो उनका जान खतरे में हो सकती है। और वह वही हुआ कि उनको पकड़ पकड़ के उन्होंने उनको मार दिया और जो अजीत डोवाल थे वो किसी तरह से अपने आप को बचा के निकले। सोचो जब आपको सपोर्ट ही नहीं मिल रहा अपनी कंट्री से उस टाइम, तो कितना मॉरल डाउन होता होगा। जब देखते होंगे कि हमारे सारे जो कोवर्कर्स हैं, जो हमारी स्पाई जो इतनी अच्छी हमने बनाई थी, वो सब खत्म हो गई एक गलत स्टेप की वजह से। तो पर अभी तो और भी आगे वो बता रहे हैं उनकी स्टोरीज कि क्या क्या और उन्होंने किया है, बट अमेजिंग अमेजिंग नहीं तो काफी अच्छा है। ऑफकोर्स काफी सारी स्टोरीज हैं और कुछ हमने सुनी भी थी कि वो जो बैगर बन के गए थे पाकिस्तान में, वो भी सुनी थी। मेरे ख्याल से कई मूवीज भी हैं, उन्होंने मूवीज ने भी यूज किया इस इन्फॉर्मेशन को पोर्ट्रे करने के लिए। मगर काफी अच्छा है और ये इसमें एक झलक आती है रॉ के लोगों की। और जो भी इंटरेस्टेड हैं मेरे ख्याल से, उन जो इन चीजों में इंटरेस्टेड हैं, उनको मेरे ख्याल से रॉ के तरफ जाना चाहिए। मगर इसमें देखिए कि वो IPS थे, तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि पहले आप पढ़िए लिखिए, कुछ अचीव करिए, IPS में जाइए, उसके बाद ही रॉ में, क्योंकि लोग जरूरत है उन लोगों की जो शार्प है, इंटेलिजेंट है। नेटिजर तो यही है, राइट? आपको वो चीज, वो लोग चाहिए जो काफी शार्प हैं, जो स्ट्रेटजी बना सकते हैं, जो अपने देश को बचा सकते हैं। जैसे कह रहे हैं दिमाग जो है ज्यादा पावरफुल है एक्चुअली हथियार से। तो मगर काफी अच्छा लगा सुनकर उनकी इन अचीवमेंट्स को, वेरी नाइस। यस फ्रेंड्स, तो जल्दी से चलते हैं क्योंकि नेक्स्ट पार्ट भी देखना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।